हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो कल की एनर्जी मैंने हेडिंग डाली है, इसका मतलब ये है कि कल की एनर्जी स्ट्रेट, दिन भर से काफ़ी नेगेटिविटी थी, बट रात में स्पिरिचुअल वॉर इस ट्रू। कल एक बहुत ही भयानक बोल सकते हैं जो मैंने रिसीव करी है, स्पिरिचुअल वॉर थी, पूरी रात भर थी। होपफुली आप में से कुछ को अभी भी नेगेटिविटी फील हो रही होगी, और इसकी बातें यहाँ पर इसलिए इतना होती है क्योंकि ये हमारी जर्नी का एक हिस्सा है। एक स्पिरिचुअलिटी एक वॉर है जहाँ पर कि हमें आखिरी दम तक रोका जाएगा स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलने के लिए, तो ये कोई एक बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने कई साइन भी मेरे ही अपने घर पे देखे जो मुझे कंफर्म किया कि मैं थ्रू आउट द नाइट आई रिसीव द एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल वॉर नेगेटिविटी, एंड एट द सेम टाइम मैंने कई साइन अभी सुबह ही देखे दैट गिव्स मी द कंफर्मेशन। ओके, सो ये वीडियो, ये स्पिरिचुअल वॉर क्यों थी, क्या था एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम थी, इस पे मैं वीडियो आगे की वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे पहले आपको इस बार परमानेंट सॉल्यूशन देना है, राइट। एंड अनदर थिंग कि कल हमारी डिवाइन फेमिनिन ने कल की वीडियो में क्यों कहा था कि आप लोगों को प्लीज़ एनर्जी क्लियरिंग करना चाहिए, और या आप मैम से एनर्जी क्लियरिंग का सेशन ले लीजिए, ठीक है। मैं उसको कोरिलेट करूँगी कल ही की मेरी एनर्जी रियूनियन वाले से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अंदाज़ा आप लोगों को हो गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टॉप योर रीयूनियन, ठीक है। सो अगर आपके रीयूनियन एंड ये उन लोगों को भी ये एनर्जी फील हो रही होगी जिनका इस वक्त क्राउन चक्रा ओपनिंग हो रहा है, या जो लोग रीयूनियन के बहुत करीब आने वाले हैं उन लोगों को ये एनर्जी फील हो ही रही होगी, ठीक है। कल से नेगेटिव एनर्जी और रात में ड्रास्टिक एनर्जी, ठीक है, बहुत ही गंदी वाली नेगेटिव। हो सकता है आप में से बहुत लोग कल रात सो ही ना पाए हो, या बार बार जग रहे हो, बार बार आपकी नींद तोड़ी जा रही हो, एक अजीब सी बेचैनी आपको लग रही हो, या घबराहट सी, या बेचैनी, या पता नहीं क्या, या आप में से कुछ लोगों को नौशिया, मतलब कड़वा, मुँह में कड़वापन, इस टाइप का फील। मुझे पता है ये बहुत कम लोगों को फील हुआ होगा, पर जिनको हुआ है ये वीडियो उनके लिए है। जिनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, जिनका यूनियन करीब है, उन लोगों को ही साइन एंड सिम्टम्स मिले ही होंगे फॉर श्योर, ठीक है। और होपफुली जो अभी अवेकन जर्नी के बीच में है वो लोग को नहीं भी हुआ होगा, किसी किसी को हो भी सकता है फील, बिल्कुल इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस डायमेंशन पर अभी तक पहुँचे हो, ठीक है। सो एनर्जी क्लियरिंग क्यों, क्योंकि इस वक्त अगर आप आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस होंगे, क्योंकि ये टाइम रीयूनियन का है, ये टाइम इनर यूनियन, इनर डीएम डीएफ को क्लियर करके यूनियन पाने का है, आपके यिन यांग की एनर्जी को बैलेंस करने का है, मर्जिंग का टाइम है। और अगर इस बीच आप अगर नेगेटिविटी के चक्कर में आ जाते हो, या आपके एनर्जी ब्लॉक्स रहेंगे, तो आपका यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो साइकिल है ये हर साल होती है। अगर आप जो लोग मुझे दो साल से फॉलो कर रहे हैं, या जो लोग लास्ट ईयर भी फॉलो कर रहे थे, सेम सिचुएशन तब भी आई थी, और ये आती ही है हर यूनियन के टाइम पे, हर साइकिल पे ये आती है। इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ वरी, बट यस, इस बार मैं आप लोगों को एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आई हूँ, परमानेंट सॉल्यूशन फॉर क्लियरिंग दिस नेगेटिव एनर्जी फॉर एवर, परमानेंट सॉल्यूशन फॉर बैलेंसिंग योर यिन यान एनर्जी, परमानेंट सॉल्यूशन फॉर योर एनर्जी, फॉर योर प्योरिटी, फॉर योर रेजिंग योर फ्रीक्वेंसी, फॉर योर रेजिंग योर वाइब्रेशन, परमानेंट सॉल्यूशन फॉर बैलेंसिंग ऑल द एलिमेंट्स, मैनिफेस्टिंग योर गुड लाइफ, मैनिफेस्टिंग योर ऑल योर डिज़ायर टू बी फुलफिल्ड, मे बी योर जॉब, योर कैरियर, your marriage, anything, and releasing your karmic wounds, and last but not least and very important is divine merging. तो ये एक बहुत ही important video है। तो मैं
कारण बताकर आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, मैं सीधे आपको सोल्यूशन पे बात करना चाहती हूँ. सो ओवरऑल हमारी डिवाइन फेमिनिन ने कहा था एनर्जी क्लियरिंग इसलिए करना है क्योंकि अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी या क्लियर नहीं होगी तो आपका यूनियन ब्रेक हो सकता है. सो शी गॉट दैट डाउनलोड्स. कल मेरा व्रत था. यस, व्रत से याद आया कि आई एम वेरी सॉरी मैंने बिगनिंग में नहीं बोला बिकॉज आई एम वेरी कनेक्टेड विद दिस एनर्जी राइट नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कल का व्रत बहुत ही सुपर शानदार, बहुत ही सक्सेसफुल रहा. थैंक्स टू यूनिवर्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स. आप लोग सभी के आशीर्वाद से मेरा कल का व्रत बहुत सक्सेसफुल रहा और आप लोगों को डेफिनेटली ढेर सारा आशीर्वाद मैंने मन ही मन आप लोगों को भी सेंड किया था. सो टुडे इतनी नेगेटिव एनर्जी के बाद भी मैं यहाँ बैठ के आराम से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड योर ऑल ब्लेसिंग्स. ठीक है, बहुत ही अच्छा व्रत रहा. आप लोग की ढेर सारी शुभकामनाएं मिली और मैं ढेर सारा आभार प्रकट करती हूँ आप सभी का मुझे इतना प्यार देने के लिए. सो ओवरऑल बैक टू द वीडियो, हमको करना क्या है? व्हाट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन इज बैलेंसिंग एंड क्लियरिंग योर चक्र. अब आप कहोगे मैम ये क्या है बैलेंसिंग एंड क्लियरिंग, वो तो हम रोज करते हैं. बैलेंसिंग एंड क्लियरिंग द नेगेटिविटी फ्रॉम योर चक्रास. जब आप अपने चक्रास से सारी नेगेटिविटी को क्लियर कर लेते हो, जब भी कोई भी इशू सरफेस होता है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है या हमें कोई टेंशन होता है या हम इधर से ट्रिगर हो जाते हैं, डेफिनेटली उस चक्रास से वो नेगेटिविटी सरफेस होती है. ठीक है, समझने वाली बात है. बिकॉज चक्रास क्या होते हैं, क्यों हमें हील एंड बैलेंस एंड क्लियर करने, क्योंकि बिकॉज इट्स एम्बेडेड विद द नेगेटिविटी ऑफ मल्टीपल लाइफ टाइम्स. ठीक है, एंड इफ इट इज ब्लॉक्ड योर यू आर यू विल ऑपरेट विद द 3D एंड यू आर नॉट कनेक्टेड विद द डिवाइन एंड यू विल नॉट अचीव सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ. बट इफ योर चक्रास आर क्लियर बैलेंस्ड हील ऑल इम्प्योरिटीज आर आउट रिमूव्ड and so that then you are all like almost you will definitely connect with the divine. Okay, you will automatically connect with the divine and definitely you can manifest anything, any desire. So it is very important to remove all these negativities, impurities from your chakras and for permanent basis, hamesha ke liye. सो दैट बार बार जो ये स्पिरिचुअल वॉर, तो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ये तो होती रहेगी. तो कितनी देर तक, कब तक आप लड़ाई करोगे, कब तक आप परेशान होगे हर 8 दिन की नेगेटिविटी से. सो दिस टाइम मुझे आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन देना है. एंड परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? दिस मेडिटेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज रामा दासा सा से सो हंग. आप में से बहुत लोगों ने इसको सुना होगा और डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ये करते भी होंगे. तो जो लोग करते होंगे वो गवाह होंगे कि शायद उनकी लाइफ में नेगेटिविटी कम होती है. बट ये इतना पावरफुल टूल है, दिस हेल्प्स इन बैलेंसिंग यिन यांग. दिस हेल्प्स बिकॉज व्हेन नेगेटिविटी ऑलरेडी बीन ट्रांसम्यूटेड, यू कैन बैलेंस योर एनर्जीज, you can clear your energies. Yes, clear of your energy jo Michael Divine Feminine ne bataya tha. To with energy clearing session aap ye Ramadasa meditation karenge, it will completely transmute your negative energy from your etheric body and negative energy from the chakras for the multiple lifetimes. But akele is meditation se kaam nahi chalega, isliye जो मेरा एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन सेशन है वो प्लस आप ये करेंगे तो ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज इंक्लूडिंग योर इलनेस, इंक्लूडिंग योर लाइक अनसक्सेसफुल जो आपका जो है प्रॉब्लम्स है, लाइक जॉब नहीं मिल रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, फेलियर हो रहे हैं, एवरीथिंग विल बी क्लियर बिकॉज थ्रू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी क्लियरिंग प्लस रामदासा meditation, you can balance all the elements. You can balance your yin yang, your inner DM and DF. You can balance your frequency, vibrations and your energy. Okay? And at the same time, it helps you in releasing the karmic wounds also and
align you to divines, that is called divine merging. Okay, so let me say why this meditation will help you out. If we will explain you Ra. Ra means your energy of the sun, and sun signifies the brightness, purity, connected with your solar plexus. ठीक है, तो you are purifying your inner. ठीक है, you are brightening your inner chakras, all chakras, energies of sun. तो ये आपको, जब रा हम बोलते हैं, ये आपको स्ट्रांग बनाता है, ये आपको आपकी पूरे इनर जो आपका इनसाइड है उसको क्लीन क्लियर करता है, आपको प्योरीफाई करता है अंदर से. माँ इज़ द एनर्जी ऑफ मून, एंड मून हमेशा, जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, फुल मून पे आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो जब आप माँ का चैन करते हो तब फुल मून पे भी आपको, न्यू मून पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, शिफ्ट्स में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज मून जो होता है इट सिग्निफाई कूलनेस. ठीक है, मून इज़ नर्चरिंग, मून शोज कि आप एक रिसेप्टिव मूड में हो, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो. प्रॉब्लम लाइफ में कब आती, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे अंदर कामनेस नहीं है, शांति नहीं है. ठीक है, तो आप थिंग्स को, चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है, आप उसको बिल्कुल कामली एक्सेप्ट करते हो. सो दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ माँ. ओके, हमने रा समझा, माँ समझा, नाउ दा. दा सिग्निफाई द एनर्जी ऑफ अर्थ. अर्थ मीन्स ग्राउंडिंग. क्यों हमें प्रॉब्लम होती है ग्राउंडेड होने में? ठीक है, तो फीलिंग ऑफ एक फेथ, एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी, देख लाइक जो भी मेरे संग हो रहा है एट द एंड इज परफेक्टली ऑल राइट. क्यों हमें ट्रस्ट नहीं है गॉड पे? क्यों हमें बिलीव नहीं होता है कि मैं जो भी इनर वर्क कर रही हूँ एट द एंड हर चीज़ पॉजिटिव ही होने वाली है? वाई वी आर नॉट पॉजिटिव? जब हम ये दा का चैंट करते हैं, ये हमारी पॉजिटिविटी को सिग्निफाई करता है, दैट वी आर ग्राउंडेड, वी आर सेफ, वी आर पॉजिटिव, वी ट्रस्ट ऑन द गॉड, एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट वॉट एवर विल बी द एंड विल बी पॉजिटिव एंड इन योर फेवर. राइट, तो दैट इज द थिंग. और जब आपको डिवाइन से ट्रस्ट है, इफ यू हैव द ब्लाइंड फेथ ऑन योर डिवाइन, चीज तो होनी ही है. क्योंकि इस जर्नी पर सच क्या है? ये जो नेगेटिविटी भी होती है ना, ये जो ट्रिगर्स भी आते हैं, तो सिर्फ आपको टीच करने के लिए आते हैं कि एक तो आपको अपनी लेसन लर्निंग करनी है, और डिवाइन ये जानना चाहता है कि तुम्हें कितना ट्रस्ट है मुझ पे. मेरी इस बात को ना अंडरलाइन कर लीजिए, जब आप चीज़ों को, जो भी ट्रिगर आ रहा है, अगर आपने लेट गो कर दिया, तो डिवाइन ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में लाने लगता है, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है डिवाइन को कि नाउ यू हैव फेथ ऑन मी. Blindly, you have a blind faith on me. तो divine चीज़ों को आपके favor में लाना शुरू कर देता है. आप ये note करिए, आप notice करिए आपकी life में, जब जब भी चीज़ों को आपने let go किया है, आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है. divine ने हमेशा आपका साथ दिया है. पर जब जब आपके अंदर आई वाला ईगो रहा है कि मैं ट्रिगर हो गई, अब मैं ये कर लेती हूँ, अब मैं वो कर लेती हूँ, या मैं ट्रिगर हो गई, अब मैं लो वाइब्रेशन में हूँ, और अब बवाल हो गया, तो क्यों? क्योंकि आपका एक तो वो टॉक्सिन था जो रिलीज़ करना था, और प्लस आपने उसको लेट गो नहीं किया, आप रिएक्ट कर गए. दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको महामंत्र दिया है, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट. ठीक है, तो जब आप रिएक्ट ही नहीं करते, तो डिवाइन समझता है कि यस, इसने रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको मुझ पे ट्रस्ट था. ठीक है, और जब हम अपने अपने आई से डील करते हैं, आई मीन्स ईगो, तो चल लो कर लो जितने हाथ पैर मारने हैं, कर लो बवाल, कर लो, बिगाड़ लो अपना सब कुछ. भगवान यही कहता है, बाद में थोड़ी सी, थोड़ा देर से सीखना. ठीक है, सो दैट दा दैट टीचेस यू grounding, feeling of acceptance. Yes, मेरे संग जो भी होगा वो अच्छा होगा. And सा, रा मा दा सा, सा सिग्निफाई कि जो भी आपकी, जो आप जो भी ये कर रहे हो, that energy वो आपकी universe की तरफ flow हो रही है, आप universe से अब align हो रहे हो.
द सेकेंड सा रामा दासा सा से सो हंग. तो अनंदर सा मतलब क्या होता है, इट्स शोज कि वो एनर्जी आपके अंदर भी, वो पावरफुल एनर्जी जो आपको डिवाइन से कनेक्ट कर रही है, वही एनर्जी आपके अंदर भी आपको स्ट्रॉन्ग पावरफुल सक्सेसफुल बना रही है, पॉजिटिव बना रही है, आपके इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कर रही है, आपकी यिन यान एनर्जी को बैलेंस कर रही है, आपके अंदर आपकी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को रेज कर रही है, आपके ऑल एलिमेंट्स को बैलेंस कर रही है. ये आपकी एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रही है, अच्छी लाइफ ग्रोथ करियर. ठीक है, इट्स ऑल्सो हीलिंग योर कर्मिक वुंड्स कर्मिक बैगेजेस. ठीक है, अब ये तो हो गया रामा दासा और सा. से मतलब क्या होता है, वट एवर इज हैपनिंग विथ यू इनसाइड एंड आउटसाइड यू आर एक्सेप्टिंग इट, यू आर ऑनरिंग इट, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, यू आर फीलिंग इट, यू आर हैविंग द फीलिंग येस आई रिस्पेक्ट इट, आई एम ऑनर इट. क्योंकि जो भी मेरे संग हो रहा है ये सिर्फ मेरे हाइएस्ट गुड के लिए हो रहा है. एंड द लास्ट सो हंग. सो हंग मतलब सेंस ऑफ मर्जर. जब आप पूरा अपना रामा दासा से पूरा आप लोग अपने चक्रास को क्लियर करके पॉजिटिविटी से भर जाते हो, तब आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करना शुरू कर देते हो. ठीक है, आप एक सेल्फ अवेयरनेस में आना शुरू कर देते हो. मैं जो ये अवेयरनेस बोलती हूँ, ये कैसे आता है, ये ऐसे ही आता है जब आप वननेस फील करने लगते हैं डिवाइन से. और ये मेडिटेशन जिन लोगों के क्राउन चक्रा ओपनिंग हो रही है विद मरकाबा, ये मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, जो आपको सोल स्टार चक्रा में भी सपोर्ट करता है. बिकॉज यहीं से शुरू होती है आपकी कनेक्टिविटी, योर मर्जिंग विद यूनिवर्स, जो कि आपका इनर सेल्फ आपका यूनिवर्स से, मतलब आपके आउटर सेल्फ से मर्ज होता है. ठीक है, हंग हंग मीन्स इनफाइनाइट वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, पावर रियलिटी, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, पावर, सब कुछ आपके लाइफ में अब पॉजिटिव ही होने वाला है. एंड कैसे, बिकॉज नाउ योर इनर सेल्फ इज मर्जिंग विद योर आउटर सेल्फ. इन शॉर्ट यू आर नाउ अलाइनिंग विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, अलाइनिंग विद द डिवाइन, अलाइनिंग विद द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस. सो अब बताइए, इतना जानने के बाद कोई नेगेटिविटी आपको टच कर सकती है? फॉर श्योर नेवर. And this is the permanent solution. और मैं एक meditation, for the first time, मैं कभी tag नहीं करती हूँ, I always make my meditation, but for the first time, मैं आपको एक meditation comment box पर tag कर दूँगी, उसको आप सुनिए, and just enjoy the fruits of your life, clear your chakras, balance your chakras, clear all the negativities, raise your vibrations, raise your frequency, balance your yin yang, balance all your elements, clear your energy and enjoy reunion. अपना ध्यान रखिए. Love you all. God bless you all.